सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। भारत बनाम अफगानिस्तान मैच में एक बार फिर दिखा विराट कोहली का गुस्सा। गुस्से से लाल विराट अंपायर से भिड़ गए और फिर जमकर हुई बहस। जी हाँ, भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच के दौरान अंपायर के एक फैसले पर हंगामा हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली काफी निराश नजर आए और उन्होंने काफी देर तक अंपायर से बहस की। यह घटना अफगानिस्तान की पारी के तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर हुई। शमी की गेंद पर अफगानिस्तान के बल्लेबाज हजरतुल्ला जयजई के खिलाफ LBW की जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने उंगली नहीं उठाई और अपील को ठुकरा दिया। इस पर विराट कोहली ने मोहम्मद शमी और महेंद्र सिंह धोनी से विचार विमर्श करने के बाद DRS ले लिया। रिव्यू में सामने आया कि गेंद बिना बल्ले से लगे पैड्स पर लगी थी। इसके बाद जब गेंद कहां पिच हुई है यह देखा गया तो सामने आया कि गेंद स्टंप्स की लाइन को छू रही थी और जरा सी बाहर थी, लेकिन तीसरे अंपायर ने जयजय को नॉट आउट करार दिया। इसके साथ ही भारत ने अपना रिव्यू भी गंवा दिया। अंपायर के इस फैसले को देखकर विराट कोहली आपा खो बैठे। वे तुरंत अंपायर के पास जा पहुंचे और उनसे नॉट आउट दिए जाने की वजह पूछने लगे। वे अंपायर के तर्कों से सहमत नहीं दिखे। कप्तान विराट कोहली बार बार अंपायर को समझा रहे थे कि गेंद स्टंप्स की लाइन को छू रही थी और साथ ही गेंद के जरा सा बाहर रहने का इशारा भी करते नजर आए। हालांकि उनकी ये बातें रिकॉर्ड तो नहीं हुई, लेकिन गुस्से में काफी बड़बड़ाते हुए दिखे। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।